छोले भटूरे सबका फेवरेट नाश्ता। तो आज हम बनाएंगे फूले फूले भटूरे, और वो भी चने के साथ। तो आइए देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं छोले भटूरे। तकरीबन ये सबका ही फेवरेट नाश्ता होता है। तो मैंने इसे कैसे बनाया, बहुत ही इजी वे से बनाया। फूले फूले भटूरे बनाएंगे और यम्मी चने बनाएंगे, और साथ में एक सब्जी बनाएंगे जो चटनी की तरह काम करती है। तो आइए फिर जल्दी से बना लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो फिर देरी नहीं करते, जल्दी से बना लेते हैं छोले भटूरे। सबसे पहले हम भटूरे बनाने के लिए डो तैयार करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब मैदा ले लिया है, यानी कि क्वांटिटी वाइज देखें तो 400 ग्राम के करीब मैदा है ये, और इसमें हम 100 ग्राम के करीब सूजी डालेंगे, जिससे भटूरे बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, और साथ ही ऑयल भी कम एब्जॉर्ब करते हैं ये। और 4 खाने वाले चम्मच इसमें मैं दही के डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास दही नहीं पड़ा तो ना डालें। अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे, या बिल्कुल हल्का सा इसमें नमक डालेंगे, और 1/2 छोटा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे हम। अब इन सबको कर देते हैं मिक्स अच्छी तरह से। अब नॉर्मल पानी से इसका डो तैयार करेंगे, क्योंकि आजकल गर्मी है, अगर सर्दी हो तो इसको गुनगुने पानी से भी डो बना सकते हैं इसका हम। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक मुलायम सा आटा तैयार कर लेंगे। डो को इस तरह से मसल मसल कर बिल्कुल चिकना डो तैयार करेंगे हम। अब इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको मुलायम सा बना लेंगे, बिल्कुल चिकना डो तैयार करना है हमें। अब इसको 2 घंटे के लिए हम एक बाउल में डालकर रख देते हैं। इतना डो तैयार करने के लिए मेरा ये कांच का एक गिलास मैंने पानी का लिया था, ये लगा है, इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। डो तैयार होते हैं तो इतनी देर में हम चने बना लेते हैं। चने मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखे थे, अब इनको बॉईल कर लेते हैं पहले हम। ये कुकर में मैं सारे चने डाल देती हूँ। ये 1 कप के करीब चने हैं, तो इसमें मैं 3 कप के करीब पानी के डाल रही हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालें। अब यहाँ पर मैं एक मलमल का कपड़ा ले रही हूँ, उसमें 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता, और 2 लौंग डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ी सी छोटा चम्मच आधा चाय पत्ती का डाल रही हूँ इसमें कलर लाने के लिए। तो ज़्यादा चाय पत्ती नहीं डालनी है इसकी, हम एक पोटली बना लेंगे और इसको हम कुकर में डाल देंगे। इससे मसाले का फ्लेवर भी अच्छा आएगा और पत्ती का कलर भी चने पर चढ़ जाएगा। 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं नमक का डाल रही हूँ, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब ढक्कन लगाकर हमें इन्हें उबाल लेना है। 3 विसल आने तक हम इसको हाई फ्लेम पर उबालेंगे, फिर 1 विसल हम स्लो फ्लेम पर दिलवाएंगे, या फिर अपने अपने गैस के हिसाब से, स्टोव के, गैस स्टोव के हिसाब से 1/2 विसल ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठंडा होने पर हम इसको खोल लेंगे। चने बॉयल होते हैं तो हम इसका मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, इसमें मैं हींग डाल देती हूँ 1 पिंच, 1/2 चम्मच के करीब इसमें जीरा डाल देते हैं, 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देती हूँ मैं। 1 से 1.5 मिनट तक इनको रोस्ट करेंगे हम। 2 प्याज चॉप करके ले लिए, इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं हम अच्छी तरह से। इधर हमारे चने भी बॉयल हो चुके हैं, ये देखिए अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं, और इसका पानी हमने निकाल कर अलग कर लिया। थोड़ा सा पानी हम मसाला बनाने में भी यूज़ करेंगे, और फिर इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे चने की। प्याज हमारे हो चुके हैं, तो इसमें 2 फ्रेश टमाटर की मैंने पेस्ट बनाकर रखी हुई है, मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लिया था, ये डाल देती हूँ मैं। अब इसमें डाल देते हैं नमक मिर्च, 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर का डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून में हल्दी पाउडर का डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, 1 टीस्पून में लाल मिर्च पाउडर का डाल रही हूँ यहाँ पर, 1 टीस्पून ही मैं धनिया पाउडर का डाल रही हूँ। हल्का सा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। पानी मैंने जो चने का जो बॉयल किया हुआ पानी है वहीं डाल रही हूँ मैं।
अब इसमें हल्का सा नमक भी डाल देते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें नमक, क्योंकि बॉईल करते हुए चने में भी मैंने नमक डाला था। साथ ही मैं इसमें दो हरी मिर्च डाल देती हूँ साबुत, ये बहुत ही अच्छी लगती है। साले को ऑयल छोड़ने तक अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह से हमारा हो गया है, ये देखिए साइड्स पर ऑयल छूट गया है। और अब इसमें हम चने डाल देते हैं हमारे बॉइल्ड। चने अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक इसको इसी तरह से पकने देंगे लो फ्लेम पर, ताकि मसाला अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए। दो मिनट बाद हम ढक्कन खोलेंगे। देखिए हमारे चने तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम जो बॉइल्ड वाटर था, पानी था इसका चने का, वो भी डाल देते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालें, कम या ज़्यादा जितना आप ग्रेवी में पसंद करते हैं। पानी जैसी ग्रेवी आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। बस अब कर देते हैं इनको सबको मिक्स और एक उबाल आने देते हैं। हमारे चने बनकर तैयार हो चुके हैं। चने हमारे तैयार हो चुके हैं, थोड़ी सी धनिए की पत्तियां डाल दें। अब गैस का फ्लेम बंद करके हम इसमें एक लेमन का जूस डाल देंगे, एक नींबू का रस निचोड़ देंगे इसमें। चने तैयार हो चुके हैं, तो अब इधर हम भटूरे भी बना लेते हैं। ये भटूरे का आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको अच्छी तरह से एक बार और से चिकना कर लेते हैं। और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर हम तैयार करके रख लेते हैं सारे पेड़े। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि एक दूसरे से ये चिपके ना, अच्छी तरह से पेड़े बनाकर रख देते हैं हम। अब जल्दी से बेलकर हम भटूरे निकालते जाएंगे। अब हम चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा बेलन पर ऑयल लगाएंगे, पेड़ा लेंगे और इसको इस तरह से बेलते जाएंगे। हल्के हाथों से इसको बेल देंगे, आटा बहुत ही मुलायम है। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम अपना भटूरा ये डाल देंगे। हल्का सा इसको प्रेस करेंगे इस तरह से, देखिए कितना फूल जाएगा। अभी देखिए इस तरह से फूल कर भटूरा हमारा तैयार हो जाता है। अब थोड़ा सा ऑयल गर्म इस पर डालेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। भटूरा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हम बाकी के भी भटूरे बनाकर जल्दी से तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 आलू और 1 प्याज और 3-4 हरी मिर्च इस तरह से स्लिट्स में काट लिए। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया, इसमें 1 चम्मच ऑयल का डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है और थोड़ी सी राई डाल देनी है मैंने यहाँ पर। राई डालकर इसको चटकने देते हैं थोड़ा सा। अब इसमें वो आलू प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे हम। अब इसमें हल्का सा नमक मिर्च, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना डालना चाहें डाल सकते हैं, और थोड़ी सी हल्दी ऑप्शनल है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसे, बस हल्का सा पकाना है। और इसमें एक लेमन का जूस भी डाल देंगे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। इससे छोले भटूरे का टेस्ट बहुत ही बेटर हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा सब्जी का मचार तैयार हो जाता है। कि फ्रेंड्स, ये हमारे भटूरे, चने और ये सब्जी सब कुछ तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और ये हमारी बन गई छोले भटूरे की प्लेट, तो खाने के लिए तैयार हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, घर में इसे ट्राई ज़रूर करके देखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। टेस्ट आपका और आइडिया मेरा, बने रहिए फिर टेस्टी टेस्ट मेरे साथ इसी तरह से। धन्यवाद।